हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जे कोडो ऐप। आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। इस वीडियो में हम दुनिया में अपनी अजीबोगरीब गाड़ियों के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर व्यक्ति शेख हमद बिन हमदान अल नयन की कार कलेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें रेनबो शेख भी कहा जाता है। ये दुबई की रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं और तरह तरह की अजीबोगरीब गाड़ियां रखने का शौक रखते हैं। अपने अंधाधुंध पैसे से ये तरह तरह की कार्स को मॉडिफाई करवाते हैं, जिसकी वजह से इन्हें किंग ऑफ कार्स भी कहा जाता है। इनके पास 3000 से ज्यादा गाड़ियां हैं और इतनी ज्यादा अजीबोगरीब गाड़ियों को रखने के लिए इन्होंने दुबई इमारत में पैरामिड की शेप का एक गैराज बनवाया है। इसी के साथ इनके नाम पर कई सारे गिनी वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जैसे कि इनके पास दुनिया की सबसे बड़ी 4x4 व्हीकल की कलेक्शन है, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी के साथ इनकी कार्स के नाम पर और भी कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं, जिनके बारे में आगे आपको वीडियो में पता लगेगा। चलिए देख लेते हैं इनकी कार कलेक्शन की कुछ फेमस कार्स। लार्जेस्ट SUV इन द वर्ल्ड। एक्चुअल में ये 10 व्हील ओस्ट कोस्ट ट्रक है, जो कि पहले US की आर्मी इस्तेमाल में लाया करती थी। इस पावरफुल ट्रक के ऊपर वाले हिस्से में शेख ने जीप रेंगुलर फिट करवाई है, जिसके साथ ये कार दुनिया की सबसे बड़ी SUV कार बन जाती है। 600 हॉर्स पावर की पावर वाले इंजन और मजेदार डिजाइन के साथ इस SUV को ऑफ रोड में चलाने का मजा ही कुछ और है। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज डोज पावर वैगन। ये कार 1950 के टाइम की काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर पिकअप ट्रक डोज पावर वैगन का रेप्लिका है, लेकिन ओरिजिनल डोज पिकअप से ये कार 8 गुना ज़्यादा बड़ी है। इसी वजह से इस पिकअप ट्रक का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे बड़ी कार के तौर पर दर्ज है। और इसके अंदर 3 AC बेडरूम है, 1 लिविंग रूम है और 1 मास्टर बेडरूम है, और अपने आप में ही ये कार एक अपार्टमेंट भी है। इनके पास एक निसान जैकब कार भी है, जो कि 1 मीटर ऊपर तक लिफ्ट हो सकती है, और अपने आप में ही एक काफ़ी ज़्यादा यूनिक कार है और रेयर कार में से एक है। डेवर्ट और ऑफ रोड पर इस कार को ड्राइव करने का मजा ही कुछ अलग है। इसी के साथ इनके गैराज के बाहर एक ट्रॉली शेप्ड अर्थ का ग्लोब रखा हुआ है। ये धरती की शेप की एक ट्रॉली है, जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, और इसके अंदर 9 बेडरूम है। इसी के साथ शेख ने दुनिया की सबसे लंबी 16 फुट की पिकअप ट्रक भी बनाई है, जिसके अंदर 2 बेडरूम है। इसी के साथ शेख हमद ने दुनिया की सबसे लंबी 4x4 कार भी बनाई है। नेक्स्ट कार है जीप रेंगुलर जेंट स्पाइडर। शेख हमद ने इस कार को फोर्ड F50 पिकअप ट्रक पर जीप रेंगुलर की बॉडी चढ़ाकर बनाया है, और इस कार को जीप रेंगुलर जेंट स्पाइडर नाम दिया है, और यह भी अपने आप में ही एक काफ़ी यूनिक कार है। नेक्स्ट है मॉन्स्टर पिकअप ट्रक। इस ट्रक में ऊपर मर्सिडीज की बॉडी रखी हुई है, जबकि इसमें नीचे बड़े बड़े जंबो टायर्स लगे हैं, जिससे कि यह कार पानी में भी तैर सकती है। इसी के साथ शेख के पास दुनिया की सबसे बड़ी व्हीली जीप भी है। ये कार मोस्ट कॉमन व्हीकल था US आर्मी के पास World War II के टाइम में, लेकिन ये जो कार है वो इस कार की जेंट रेप्लिका है, जो कि ओरिजिनल व्हीली जीप से काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। नेक्स्ट है डबल जीप रेंगलर। ये कस्टम मेड कार है, जो कि 2 जीप रेंगलर को कंबाइन करके बनाई गई है। वैसे तो रोड पर यूज करने के लिए इस तरह की गाड़ियां लीगल नहीं होती हैं, लेकिन शेख ने इस कार को ऑफ रोडिंग के लिए बनाया होगा। वैसे दोस्तों, मैं इन कार्स की कीमत आपको नहीं बता रहा हूँ। इन कार्स में कुछ कार्स की कीमत 10 करोड़ है, जबकि कुछ कार्स ऐसी भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर हैं, जिनकी कीमत 300-400 करोड़ रुपये के आसपास भी हो सकती है। कुल मिलाकर सभी गाड़ियां काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हैं। इन कार्स की एग्जैक्ट कीमत बताई नहीं जा सकती, इसी वजह से मैं आपको इस वीडियो में इनकी कीमत के बारे में नहीं बता रहा हूं। ये कार्स लग्जरी कार्स नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है। आपको इस लिस्ट में काफ़ी कम लग्जरी कार्स देखने को मिल रही होंगी। शेख हमद अपने गैराज में गाड़ियाँ ऐड करने से पहले उनमें 3 चीज़ देखते हैं। पहली, गाड़ी यूनिक होनी चाहिए, दूसरा, गाड़ी चलती होनी चाहिए, और तीसरा, गाड़ी कॉस्ट इफेक्टिव होनी चाहिए। लग्जरी से उनको मतलब नहीं है। नेक्स्ट है बेंज पेटेंट मोटर वैगन। ये शेख हमद के गैराज में दोस्तों सबसे महंगी कार में से एक है। इस कार की एस्टिमेटेड कीमत 300 से 400 करोड़ रुपए है,
आपको देखने में ये कार नॉर्मल सी बग्गी लग रही होगी, लेकिन दोस्तों ये दुनिया की पहली कार थी और अपने आप में ही ये कार काफ़ी ज़्यादा यूनिक है और रेयर भी है। नेक्स्ट है रेनबो मर्सिडीज एस क्लास की कलेक्शन। बताया जाता है कि शेख हमद ने अपनी शादी के टाइम में फंक्शन के लिए 7 मर्सिडीज का ऑर्डर दिया था, जो कि अलग अलग कलर में चाहिए थी उनको। तो मर्सिडीज ने अपना सारा काम धाम प्रोडक्शन बंद करके शेख हमद का ऑर्डर फुलफिल किया था। 6-7 अलग अलग मर्सिडीज रिप्रेजेंट करती हैं 7 डेज ऑफ द वीक को। और इसके अलावा इनके पास और भी कई सारी रेनबो की तरह कार्स हैं, जिसकी वजह से इन्हें रेनबो शेख भी कहा जाता है। नेक्स्ट कार है हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच्ड सुजुकी मेहरान। सुजुकी मेहरान पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर कार है और ये कार मारुति सुजुकी अल्टो 800 का रेप्लिका है। इंडिया में सेम इसी तरह की कार मारुति सुजुकी अल्टो 800 के नाम से बिकती है। तो शेख ने दो कार को मिलाकर हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच करवाया सुजुकी मेहरान को, जिससे कि ये कार काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रही है। इसी के साथ शेख के पास दोस्तों और भी कई सारी कार्स हैं, जिनमें से फेमस उनकी रेनबो कार्स हैं, उनकी रेनबो बग्गीज की कलेक्शन है, उनके पास कई मॉन्स्टर कार्स हैं, उन्होंने एक मून बग्गी भी बनाई है जिसे वो डेजर्ट में चलाते हैं। इसी के साथ उनके पास गोल्डन कलर की रोल्स रॉयस फैंटम भी है, यूनिक पुलिस और टैक्सी कार्स हैं और साथ ही में उन्होंने कुछ आर्मर्ड कार्स भी रखी हुई हैं। आप उनकी बाकी कार्स की कलेक्शन को इन पिक्चर्स में देख सकते हैं। आपको इन सभी कार्स में से कौन सी कार पसंद आई कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर बनाएं नीचे कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं आप। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।